कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। आज से नेजल वैक्सीन की शुरुआत हो जाएगी। निजी अस्पतालों में आज से ये नेजल वैक्सीन उपलब्ध होगी। इसका बूस्टर डोज की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। मंगलवार से कोरोना को लेकर तैयारियों पर देशभर में मॉक ड्रिल भी होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया अस्पताल का दौरा करेंगे। सरकार ने मास्क लगाने की सलाह दी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। तो आज से भारत में आप नेजल वैक्सीन लगवा सकते हैं, ये मिल जाएगी निजी अस्पतालों में। कोविन पोर्टल पर भी आप नेजल वैक्सीन का ऑप्शन देख सकेंगे। और ये दरअसल भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन है, जिसे आप लगवा सकते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। ये उपलब्ध है निजी अस्पतालों में। आज से भारत में नेजल वैक्सीन भी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप अपने आसपास के अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में जाकर नेजल वैक्सीन लगवा सकते हैं। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वरुण, देखिए, नेजल वैक्सीन को उपलब्ध कराना, अस्पतालों में इसका बूस्टर डोज की तरह इस्तेमाल किया जाना, ये दर्शाता है कि अब एक वॉर स्केल पर यानी कि युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, ताकि कोई भी चूक न रहे। देखिए, निश्चित तौर पे जो हालात और जो परिस्थिति नजर आ रही है, आने वाले दिनों में तैयारी करनी है। लगातार विदेशों में मामले बढ़ रहे हैं, और ऐसे में आपने देखा भी होगा पिछले 2-3 दिनों में जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय ने, खुद प्रधानमंत्री ने मीटिंग करके ये जानकारी हासिल करी कि आखिर स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति क्या है, आखिर राज्य कितने तैयार है, और अगर कोविड की लहर आती है तो ऐसी परिस्थिति में क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। तो ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो निकल के आई कल मीटिंग में भी, और आज जो राज्य सरकारों के जो मिनिस्टर्स हैं यानी कि स्टेट्स मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ जो हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग करेंगे, उसमें भी इस बात का जिक्र जरूर किया जाएगा कि बूस्टर डोज को लेकर अब स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। और ये नेजल वैक्सीन से निश्चित तौर पर बूस्टर डोज की प्रक्रिया में और ज़्यादा तेज़ी आएगी। नेजल की जहाँ तक मैं आपको बता दूँ तो ये 3 फेज में इसको जो है वो पास किया गया है। पहला, दूसरा फेज जो है वो करीब 175 और 200 लोगों पे किया गया, लेकिन जो थर्ड फेज था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और उसमें दो तरीके से, उससे दो चरणों में तोड़ा गया। पहले में 3000 लोगों पे और दूसरे में 875 लोगों को बूस्टर डोज के तौर पर उनको दिया गया, जिसके नतीजे बेहद संतोषजनक और फायदेमंद साबित हुए। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि हम नेजल वैक्सीन की बात करते हैं तो अब तक जो वैक्सीन हमको लगाई जाती थी वो बाह में लगाई जाती थी, जिससे फेफड़े जो हैं कहीं ना कहीं इन्फेक्ट होने से बचते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। लेकिन नेजल के जरिए आप सीधे तौर पर उस जगह को स्ट्रांग करते हैं जहां से कहीं ना कहीं कोविड का वायरस अंदर जा सकता है। तो ये अपने आप में अद्भुत भी है और शायद इससे फायदा भी मिलेगा, कोरोना की लड़ाई में एक कदम आगे जा सकते हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से प्रिपरेशन की जा रही है, ठीक है वरुण, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे।